भाई साहब, इस वीडियो में मैं आपको PUBG मोबाइल की जो न्यू अपडेट आया है, जो न्यू इवेंट आया है, उसकी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। अब पहली ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर एक इंसेक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। ज़्यादातर प्लेयर्स को यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो जायरो प्लेयर हैं वो इस ट्रिक को नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो अपना जायरोस्कोप ऑफ कर ले तो आप इस ट्रिक को काफ़ी ईजिली कर सकते हो। अपने जायरो को ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ और ये जो आपके सामने ऑप्शन आएगा इसको क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद आप देख ही सकते हो कितनी आसानी से मैं यहाँ पर इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता हूँ। दोस्तों, इसमें कन्वर्ट होने के बाद आपके पास एक लॉन्चर भी आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने एनिमी को बहुत तो नहीं कह सकते, अगर आपके एनिमी की 100 HP है तो भाई उसको 2-3% डैमेज जाएगा। मतलब इतना कोई खास फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन इसका एक एडवांटेज है कि आप अपनी एनिमी की नज़र में इतनी जल्दी नहीं आओगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यार, एक लोकेशन से आपके सिर में बन जाती है तो एनिमी आपको काफ़ी ईजिली स्पॉट भी कर लेता है। अब ये देखिए, जैसे मेरे सामने एक बॉट है, ठीक है, मैं इसको डैमेज कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई खास डैमेज नहीं हो रहा। अगर आप इस रेड जोन के भाई बाहर जाते हो तो बाहर जाने के बाद आप पहले जैसे ही हो जाओगे। और भाई साहब, अगर आपका एनएबी भी इस इंसेक्ट बना हुआ होगा तो यार आप काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट ले सकते हो। मैं ये बातें जो है ये सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, मैंने भाई ये सब खुद टेस्ट की है, ये ट्रिक मैंने यूज़ की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई साहब, ये जो न्यू अपडेट आया है ना, अब इस अपडेट के बाद ज़्यादातर प्लेयर्स यहाँ पर ही उतरने लगे हैं। तो अगर आपके पास अच्छी खासी लूट हो और अगर आप पर पूरी की पूरी एनिमी टीम रश करती है तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपका एनिमी बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पर भी कोई बंदा हो सकता है, और अगर दूसरी साइड से भी बंदा कोई आए तो आप उससे भी ईजिली यहाँ पर नॉकआउट फिनिश कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर आपकी एनिमी टीम भी आपके साथ होती है तो भाई आप पूरी की पूरी स्क्वाड को चुटकियों में खा जाओगे। भाई साहब, दूसरी जो ट्रिक है वो हमारे काम कर रही है इसके छत पर, ठीक है। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपको सीधा यहाँ पर आना है, अगर एनिमी टीम आपके ऊपर रश करने आ रही है तो यहाँ से आप उनको काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो। भाई, ये खुद ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हमारी जो अगली ट्रिक है वो भी यहीं पर ही वर्क कर रही है। आपको इसके ऊपर चलना है और चलने के बाद आपको यहाँ पर छलांग लगानी है, जो सामने आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर छलांग लगा के आप इसके ऊपर मैच ग्रैब करिए और आराम से आप यहाँ पर आते भी रखिए। अगर आपका कोई एनिमी नीचे से ऊपर आ रहा हो तो आप यहाँ से भी इसको सरप्राइज अटैक दे सकते हैं, और सामने से भी अगर आप पर कोई फायरिंग कर रहा हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो कवर मिल ही जाएगा और आप उसके लिए अटैक कर सकते हैं। भाई साहब, हमारी जो आखिरी ट्रिक है वो काम कर रही है इसके पास, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर चढ़ सकते हो, बहुत ही इजी। अगर आप यहाँ पर चढ़ गए और अगर कोई बंदा आप पर रश करने आया तो यार यहाँ पर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई यहाँ पर बैठा हो, तो आप उसको यहाँ से भी भाई सरप्राइजिंग अटैक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, खुद इस्तेमाल करके ही आपको बता रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रिक को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद भाई कमेंट करना, फिर जाके अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।